नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद भी अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर बनारस के रोहनिया क्षेत्र में दैनिक जागरण के पूर्व पत्रकार व रियल एस्टेट कारोबारी एनडी तिवारी की हत्या और दूसरी घटना वाराणसी के थाना लंका में फल व्यवसायी की हत्या, जहां एक ओर जिले के आला अधिकारियों के लिए चुनौती है, वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों के लिए इस प्रकार की घटनाएं सूबे के योगी सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। तभी तो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बनारस पहुंचकर सीधे रियल एस्टेट कारोबारी और पत्रकार एनडी तिवारी के अखरी गांव पहुंचकर परिजनों के सामने अपनी शोक संवेदना व्यक्त किया, मीडिया से रूबरू हुए और सूबे की योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह फेल बताया। कहा कि पिछले तीन दिनों में केवल बनारस में ही हत्या और लूट की 9 घटनाएं हुई हैं। नौ घटना और यूपी के मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रणनीति बनाकर वाराणसी के आईजी और कमिश्नर से मिलेंगे, साथ ही परिजनों की सुरक्षा के लिए डीजीपी और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि 3 दिन के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस जन सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के सवाल पर कहा कि जब उन्हें पंजाब भेजा गया तो बीजेपी की सरकार गई और जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार कर रहे थे वह भाजपा नेता की है। कुल मिलाकर भले ही हत्या जैसे जघन्य अपराध के बाद वाराणसी पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, किंतु विरोधी दलों और आम जनता के बीच अपराध की घटनाओं की चर्चा होना लाजमी है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में क्या पहल करती है। हमारी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कल आईजी और कमिश्नर से मिलेंगे, डीजीपी और मुख्यमंत्री से स्वतः अपने पदाधिकारियों के माध्यम से और स्वतः पत्र लिखकर मैं उनसे उनकी सुरक्षा की गुहार और अपराधियों को पकड़ने की मांग करूंगा। अगर 2 से 3 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, यहां सड़क पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते। तो मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो कांग्रेस को हमेशा घेरते आ रहे हैं, जबकि उनके एम्बुलेंस बीजेपी के गोरखान की महिला से पाया जाता है। देखिए मुख्तार अंसारी कब्जा कर ली है, वो मुख्तार अंसारी काम लेती है। किसकी सरकार थी जब बांदा जेल से पंजाब ट्रांसफर हुए, भाजपा की सरकार। किसका एम्बुलेंस पकड़ा गया? भाजपा के नेता का एम्बुलेंस पकड़ा गया। न्यायालय यह तय करता है कि अपराधी को कहां रहना है, जिसके ऊपर मुकदमा उस जेल में रहेगा कि जेल से बाहर रहेगा। न्यायालय को अपना काम करने दिया जाए और हमें भरोसा है भारत के संविधान पर, न्यायपालिका पर। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर